किसी ऐसी मंजिल का सफ़र जो इससे पहले देखी ना हो बड़ा मुतजस्सस और हसीन होता है, और मेरे लिए कुम्हराट वैली का सफ़र कुछ ऐसा ही है। हम अपने सफ़र का आगाज़ लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 से कर चुके हैं। गूगल मैप लाहौर से कुम्हराट वैली का सफ़र तकरीबन 12 घंटे बता रहा है, मगर इसमें वक्फे शामिल नहीं हैं। हमने पहला वक्फा भेरा इंटरचेंज पर किया है, जो कि लाहौर से तकरीबन 2 घंटे के बाद आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूल लेने के अलावा खाने पीने की बहुत सी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। भेरा से दोबारा सफ़र का आगाज़ कर दिया है, और कुछ ही देर के बाद सॉल्ट रेंज की पहाड़ियाँ नज़र आना शुरू हो गई हैं। मैं जब पहाड़ों पर जाता हूँ तो सॉल्ट रेंज की पहाड़ियाँ मुझे हमेशा उन बच्चों की तरह महसूस होती हैं जो किसी मेहमान के इस्तकबाल के लिए गुलदस्ते पकड़े रास्ते में खड़े होते हैं। इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा को क्रॉस करके हम इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे के सेक्शन M1 में दाखिल हो चुके हैं, और इस सेक्शन पे हमारा सफ़र कर्नल शेर खां इंटरचेंज तक रहेगा। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद हम इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा से कर्नल शेर खां इंटरचेंज तक पहुंच गए हैं, और फिर यहां से स्वात मोटरवे M16 पर दाएं जानब मुड़ चुके हैं। जब हम खैबर पख्तूनख्वा के शानदार लैंडस्केप में दाखिल होते हैं तो ज़मीन की तज़य्यन आहिस्ता आहिस्ता बदल जाती है। हमारा सफ़र घूमती हुई सड़कों, सरसब्ज़ो शादाब खेतों और चमकती हुई पहाड़ियों से गुज़रता है, जो आगे मौजूद कुदरती हुसन की एक झलक पेश करता है। हम स्वात मोटरवे पर मौजूद एक खूबसूरत इंटरचेंज पर रुके हैं, जिसका नाम कतलांग इंटरचेंज है। यहाँ पर हमने गपशप लगाई, फ्यूल लिया और खालिस दूध की चाय पीकर चल दिए। स्वात मोटरवे पर खूबसूरत लैंडस्केप की वजह से सफर करना बहुत अच्छा लग रहा है, और सैर का आगाज हो चुका है। ये स्वात मोटरवे पर मौजूद टनल्स हैं, जिनकी तादाद 3 है। ये टनल नहीं, लैंडस्लाइडिंग से बचने के लिए शेल्टर बनाया गया है।
इन टनल्स की लंबाइयाँ कुछ इस तरह से हैं, 1266 मीटर, 324 मीटर और 271 मीटर। स्वात मोटरवे से हम चकदरा के मुकाम पर एग्जिट कर गए हैं। और हम चकदरा शहर को बाईपास करते हुए दीर की तरफ निकल गए हैं। चकदरा से बाबे कुम्हराट तक का सफ़र 2.5 से 3 घंटे का है, जो कि हम M5 पर तय करते हैं। मेरे हिसाब से दीर बहुत खूबसूरत इलाका है, लेकिन अभी यहाँ टूरिज़्म डेवलप नहीं हुआ। तीमरगरा, दनवा और रबात के मुकाम पर रुकने के लिए और खाना वगैरह खाने के लिए अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, जहां खाना भी अच्छा मिल जाता है और दरियाए पंचकोरा का खूबसूरत नज़ारा भी मिल जाता है। कई घंटों की ड्राइविंग के बाद आखिरकार हम अपने ख्वाबों की मंजिल के गेटवे पर पहुंच गए हैं। हम दीर से थोड़ा पहले दाएं जानब बाबे कुम्हराट की तरफ मुड़ गए हैं। अब यहाँ एक अहम बात बताने लगा हूँ, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो मजीद सफ़र मत करें, क्योंकि पातरिक से थल तक की रोड बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से 3 से 4 घंटे का सफ़र थोड़ा मुश्किल है। आपको बाबे कुम्हराट से शिरिंगल तक रात गुजारने के लिए मुनासिब होटल्स मिल सकते हैं, लेकिन बुकिंग के बगैर परेशानी हो सकती है, क्योंकि होटल्स की तादाद बहुत कम है। मैं आज तक ये फैसला नहीं कर पाया कि ज़्यादा मज़ा मंजिलें देती हैं या रास्ते। यहाँ से हम पहाड़ों में अपनी चढ़ाई जारी रखते हैं। हर एक मोड़ मजीद शानदार नज़ारों और साफ शफाफ नदियों को जाहिर करता है। हवा ठंडी और ताज़ा हो चुकी है। शहर की गर्मी से दूर एक खुश आयन तब्दीली रूनमा हो चुकी है। बाबे कुम्हराट से पातरक के रास्ते पर इतनी आबशारे हैं कि यकीन ही नहीं हो रहा कि हम हकीकत में ये नज़ारे देख रहे हैं या फिर कोई ख्वाब। इन आबशारों को देखकर सफ़र की थकान दूर हो चुकी है और इन नज़ारों ने कुम्हराट वैली की खूबसूरती के तजस्सुस में इजाफा कर दिया है।
ये पात्रिक व्यू पॉइंट है जहां से पात्रिक का व्यू बहुत खूबसूरत नजर आता है। पात्रिक से थल तक का रोड बहुत खराब है और रोड का कुछ हिस्सा गुज़श्ता सैलाब की वजह से दरिया में बह चुका है, मगर 2x2 गाड़ियां आसानी से सफर कर सकती हैं। जैसे जैसे हम वादी कुमराड के करीब पहुंचते हैं, मनाजर तेजी से दिलकश होते जाते हैं। देवदार के बुलंद बाला दरख्त, सरसब्ज़ो शादाब खेत और दरियाए पंचकोरा की सुरीली आवाज़ एक जादुई माहौल पैदा करती है। मैं सोच रहा हूँ, कुमराट वैली का अगर रास्ता इतना खूबसूरत है तो वैली कितनी खूबसूरत होगी। पात्रिक से थल तक रोड खराब होने के बावजूद 4 घंटे इस तरह से गुजरे कि सफर का एहसास ही नहीं हुआ। थल में हमने एक मुनासिब से होटल में रात गुजारी और यहाँ से 4x4 जीप ले ली ताकि कुमराट वैली आबशार तक आसानी से पहुँच सकें। अगर आपकी गाड़ी 4x4 नहीं है तो यहाँ से 4x4 जीप लेना पड़ेगी क्योंकि रोड बहुत ही ख़राब है। थल ज़ाती तौर पर मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि मुझे कुदरती नज़ारों के साथ साथ इंसानों के रहन सहन और उनके रस्म व रिवाज को जानने में बहुत दिलचस्पी है, जो कि मैं यहाँ हर जगह देख रहा हूँ। इस जिरगे को देखकर यहाँ की तंजीम और मजबूती का पता चल रहा है कि ये लोग एक दूसरे के साथ कितने जुड़े हैं और कितने मुनज़्ज़म हैं। ये पानी से चलने वाली आटा पीसने वाली चक्की इलाके की ज़रूरत पूरी करती है और यहाँ की खूबसूरती में इजाफा करती है और सियाहों की दिलचस्पी का बायस बनती है। बच्चों के खेलकूद और इनकी मासूमियत हमेशा मुझे अपनी तरफ मतवज्जे कर लेती है। मुझे लग रहा है कि मैं थल पर एक तफसीली वीलॉग ज़रूर करूँगा। यहाँ काफ़ी होटल्स बन चुके हैं जो कि 2500 रुपये से लेके 8000 रुपये तक सीज़न के हिसाब से कमरा फराहम कर देते हैं। अगर आप कुंडबांडा, जहाजबांडा या बडगोई पास तक जाना चाहते हैं तो आपको थल से ही अपना रूट बनाना पड़ेगा और 4x4 जीप लेनी पड़ेगी। लाहौर से वादी कुमराट तक का ये सफ़र एक ख्वाब की ताबीर है जो पाकिस्तान की हैरत अंगेज़ खूबसूरती का सबूत है। हमारी अगली मंजिल आबशार और काला चश्मा है, मगर हम कयाम आबशार पर करेंगे और ये सब आप अगले एपिसोड में देखेंगे। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।